नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। नौनहरा थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से कादीपुर पेट्रोल पंप के आगे स्थित मंदिर के पास से बुधवार की देर शाम करीब 7:30 बजे 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट की स्कॉर्पियो के साथ ही मोबाइल, पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। गुरुवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता में अभियुक्तों को पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के लुटेरे हैं। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने वाराणसी से गाजीपुर के लिए वाहन बुक कराया था। बीते 21 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे नौनहरा क्षेत्र के तलिया मोड़ के पास लघु शंका के बहाने वाहन को रुकवाया था और वाराणसी के मलवाड़ी थाना के महेशपुर निवासी इंद्रजीत सिंह को वाहन से धक्का देकर गिरा दिया और वाहन लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार करने वाली टीम में नौनहरा थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह, अटवा मोड़ चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह, कांस्टेबल मनोज वर्मा, कांस्टेबल दिनेश सिंह, श्याम बाबू सरोज, सुनील कुमार यादव, अभिषेक शुक्ल, विकास सिंह, विनोद यादव, पंकज भाटिया, मनीष तिवारी, रोहित सिंह, हेड कांस्टेबल संजय पटेल, राम भवन कांस्टेबल राणा प्रताप सिंह, कांस्टेबल विनय यादव, कांस्टेबल संजय प्रसाद, कांस्टेबल आशुतोष और कांस्टेबल रोहित चौहान शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 5वें दिन ही लूटकांड का पर्दाफाश करने पर पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए आईजी ने 25,000 पुरस्कार की घोषणा की है। गाजीपुर के बहरियाबाद कस्बा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर व सादात के मेडिकल टीम द्वारा गुरुवार को निशुल्क कोरोना परीक्षण कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 180 लोगों ने जांच कराया। जांच कराने वालों में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक बहरियाबाद व एक सादात का रहने वाला है और शेष सभी की रिपोर्ट नेगेटिव रही। मेडिकल टीम में डॉक्टर आरपी यादव, एलटी राजेश राय, संतोष सिंह, मीरा यादव, रमेश सिंह, राम अवध यादव, राजेश चौहान व एएनएम तथा आशा कार्यकर्ता सहित राजस्व निरीक्षक देवनाथ राम, हरिशंकर सिंह, लेखपाल बालकृष्ण श्रीवास्तव, भुलोटन यादव, अनुभव सिंह आदि मौजूद रहे। गाजीपुर के जवनिया कोतवाली पुलिस ने बुधवार की देर शाम और गुरुवार की सुबह क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 9 मवेशियों को बरामद किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया, बुधवार की देर शाम गश्त के दौरान क्षेत्र के बुद्धूपुर दुरहिया के पास से एक पिकअप को रोका। उस पर लादे गए गाय को बरामद करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गुरुवार की सुबह 5 बजे धुसका जाने वाले मार्ग के पास पैदल 7 मवेशियों को लेकर जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मंजर अब्बास, उप निरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल विजय पांडे, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, कांस्टेबल अभिजीत सिंह, कांस्टेबल रवि कुमार और कांस्टेबल गोविंद सिंह शामिल रहे। गाजीपुर के दिलदारनगर पुलिस को गुरुवार की सुबह एक बड़ी सफलता मिली। क्षेत्र के जबुराना मोड़ से एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि सुबह करीब 7:15 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि जबुराना मोड़ के पास एक टॉप 10 अपराधी मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना के मिलते ही तत्काल पुलिसकर्मी मौके पर रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर जैसे ही अपराधी की नजर पुलिस पर पड़ी, वो भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संदीप कुमार और उप निरीक्षक सुकवेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। खंडी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत के जिला संरक्षक शिवदर्शन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गाजीपुर में जमनिया खंड के खंडी कर्मचारियों के साथ अधिशासी अभियंता चतुर्थ जमनिया से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला संरक्षक शिवदर्शन सिंह ने बताया कि इस खंड के सृजन के उपरांत मौखिक रूप से आपको अवगत कराने के बाद भी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के वेतन, एरियर तथा बोनस के भुगतान की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी धरना प्रदर्शन के साथ ही उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में खंडी मंत्री राम प्रवेश राम, जीवन वर्मा, अशोक यादव, धर्मेंद्र यादव, रविंद्र यादव, पंकज पाल, अरविंद यादव, विजय पटेल, अनिश अहमद राकेश, अखिलेश कुमार, विनय तिवारी, चंद्रजीत यादव, चंद्रशेखर तिवारी, विनय सिंह आदि शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।